हिंदू हृदय सम्राट मंच पर विराजे हैं। पूरे हिंदुस्तान की तरफ से यदि शैतानी ताकतों को, असामाजिक तत्वों को जवाब देने का उत्तरदायित्व जिनों के कंधों पर है, क्या बात है कि जब जब राजा भैया आते हैं तब तब महाराणा प्रताप आता है। जरा जोरदार तालियां बजाएं सभी लोग। जिस प्रकार एक राजा की सवारी निकलती है, हैदराबाद की धरती में भी हमारे राजा भैया की भी एक सवारी निकलती है रामनवमी को। तालियां बजाएं सभी लोग। बोली महाराणा प्रताप की। महाराणा प्रताप का जयकारा है और मंच पर राजा सिंह जी स्वयं विराजे हैं, गजू भैया कोलरिया विराजे हैं। तो जयकारा दोनों हाथ ऊपर उठा के और मुट्ठियों को भींच करके होना चाहिए ताकि आस पड़ोस में पता चल जाए कि ये राजस्थान की हिंदुस्तानियों की हिंदुओं की सत्संग चल रही है। दोनों हाथ ऊपर उठा के एक बार जोश के साथ बोली महाराणा प्रताप की जय हो। धन्यवाद। हो जननी जने तो ऐसा जन तू भक्तिदाता केशु अरे नहीं तरी रही जे बांझनी थारू मती ना गमा जे नो जननी जने तो जननी जने तो चार जने तू मत जन जे चाली हरि विचारो रणे में जूझता जुवे चारों है चाली। जननी जने तो चार जन तू मती जन जे चालीस और वे चारों रण में यूं लड़े जो चारों है चालीस। राजा भैया के जैसे 100 लोग भी अगर हिंदुस्तान की धरती में हो तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान में एक भी असामाजिक तत्व दुनिया में जिंदा नहीं रहेगा, ये पक्की बात। हाँ हल्दी घाटी में समर लड़ो हल्दी घाटी में समर लड़ो वो चीतक रो असवार कटे रिमायड़ थारो वो पूत कठे वो एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे। थारो वो पूत कठे एक लिंग दीवान कठे वो महाराणा प्रताप कठे।
एक एक शब्द को सुनिएगा। मैं बाचो है इतिहासा में मायड़ थे एड़ा वीर जण्या, मायड़ थे एड़ा वीर जण्या, मायड़ थे एड़ा वीर जण्या। वे धनवान लजायो नी थारो रणधीरा वे सिरदार बण्या, रणधीरा वे सिरदार बण्या, रणधीरा वे सिरदार बण्या। पीरारी मन सो बाटीला, सारा पड़ गया मुनरे आगे, वो झुकियो नहीं नर नारियो अकबर री सेना रे आगे, अकबर री सेना रे आगे, अकबर री सेना रे आगे। हिंदुआ सूरज भी बाण रतनी, हिंदुआ सूरज भी बाण रतन, हो महाराणा प्रताप कटे थारो, वो भूत कथे वो एक लिंग दीवान कथे, वो महाराणा प्रताप कथे। कवि माधव जी तरक लिखते हैं कि मैं बाँचो है इतिहास में, मैं बाँचो है पढ़ियो है, मैंने पढ़ा है इतिहास की इस पावन धरती का उन सुनहरे पन्नों में कि मायड़ थे ऐडा पूत जनिया, धनपान लजायो नी थारो रणधीरा वे सिरधार बनिया, बेरियारे मनसु बादीला सारा पड़ गया उड़ आगे, और वो झुकियो नहीं नर ना हरियो अकबर री सेना रे आगे। अरिया माटी हल्दी घाटी री, आ माटी हल्दी घाटी री, लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है, लागे केसर और चंदन है। माथा पर तिलक करा इन रो इन माटी ने नित वंदन है, इन माटी ने नित वंदन है, इन माटी ने नित वंदन है। कारण भूमि तीरथ भूमि हो, दर्शन करिया मन ललचावे, उन वीर शूर मारिया दा इवड़ा में जोश जगा जावे, इवड़ा में जोश जगा जावे, इवड़ा में जोश जगा जावे। उन स्वामी भक्त जी तकरीबा, उन स्वामी भक्त जी तकरीबा, पारी टप टप आवाज कटे, ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, तुझ पर सवार है जो मेरा सुहाग है, वो रखियो रे आज इनरी लाज हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, हमारे हिंदुस्तान की पशुओं में भी कितनी स्वामी भक्तता है। रानी उचेते घोड़े से ही कह रही है, तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का, चेतक तेरे कंधों पर आज भार है मेवाड़ का, करना पड़ेगा तुझको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं कोई खेल है खिलवाड़ का, देना जवाब तुझको शेरों की दहाड़ का। चेतक महान है धरती की शान है, चेतक महान है तू धरती की शान,
रे आज इनरी लाजी हो। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े धरती रो पिचरंग पागारी धरती रो शूरा बीरारी धरती रो मीरा करमारी धरती रो इनरो कितरो करावे बखान और कण कण सु गूंजे जय जय राजस्थान राजस्थान राजस्थान। हे आ तो सुर गाने सरमाले इन पर देव रमण ने आवे इनरो जस नर नारी गावे धरती दोरारी ओ शूरा बीरारी दोरारी धरती दोरारी। आ तो सुर गाने शर्मावे इपर देव रमण ने आवे इनरो जस नर नारी गावे धरती दोरारी ओ शूरा बीरारी दोरारी धरती दोरारी। काला बादलिया करनावे बिजली उड़ती झोला खावे बिजली उमड़ घुमड़ कर आवे धरती दोरारी ओ शूरा वीरारी दोरारी धरती दोरारी। आ तो सुर गाने शर्मावे ओई पर देव रमण ने आवे ओ इनरो जस नर नारी गावे धरती दोरारी ओ शूरा वीरारी दोरारी धरती दोरारी। कविता की अंतिम पंक्तियां हैं मित्रों और कवि ने एक बहुत बड़ा चिंतन अपने शब्दों में लिखा है। हिंदुस्तान की आन बान शान राष्ट्र के प्रति स्वामी भक्ति की भावना प्रत्येक युवा के दिल में होना चाहिए। हमारे देश का मान सम्मान हमारे देश की परंपरा या हमारे देश की सभ्यता की रक्षा करना सिर्फ राजा सिंह जी का या गजूभाई कोलरिया का विषय नहीं है। हम सभी के मन में ये बात होनी चाहिए क्या आज देश री सीमा पर संकट ला बादल मंडराया ए पाकिस्तानी ए चीन वाला ए रोहिंग्यारा ए तालिबानी घुस बैठा भारत सीमा में घुस आया तो भारत रा वीर जवाना है भारत रा वीर जवाना थे यानी वो सबक सिखा दी जो किथे हो प्रताप रागी वंशज यानी आ बात बता दी जो भारत का है। कैमरामैन थोड़ा पीछे की तरफ करे कैमरा यो कश्मीर आप सभी लोग बोले यदि भारत का है तो बोलिएगा कि भारत का है यो कश्मीर
यो कश्मीर कुकड़ आंख उठावे आज अटे कि मायड़ थारा ए पूत अठे ए एक लिंग दीवान अठे ए महाराणा प्रताप अठे दोनों हाथों को उठा के सभी लोग देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो इस देश का यारो क्या कहना देश की दुनिया का कहना एक बार दोनों हाथ उठा कर सभी लोग भारत माता की ये देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का इस देश का यारो इस देश का यारो क्या कहना देश की दुनिया का कहना चौड़ी छाती वीरों की यहाँ भोली सकले वीरों की यहाँ गाता है सावन हर सावन मस्ती मस्ती है जुमे बस्ती में दिल भर के लिए दिलदार है हम दुश्मन के लिए तलवार है हम मैदान में अगर हम डट जाए मुश्किल है पीछे हट जाए जीते हो किसी ने देश तो क्या हमने तो दिलों को जीता है या राम अभी तक है नारी में अभी तक सीता है कितने पावन है लोग यहाँ कितने पावन है लोग यहाँ मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ आप लोगों को गाना है भारत का रहने वाला हूँ भारत की बात सुनाता हूँ भारत है प्रीत जहाँ की रीत सदा है प्रीत जहाँ की रीत सदा मैं गीत उसी के गाता हूँ भारत का रहे जो नहीं गाएगा इसका मतलब वो पाकिस्तान से हाँ जो नहीं गाएगा वो तालिबान से आया हुआ है भारत का रहने वाला हूँ भारत की वो भारत का भारत की बात मैंने जन्म लिया हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हम हिंदुस्तान में जन्मे हैं ये बहुत बड़ा सौभाग्य है
हिंदुस्तान के जैसा कोई दोस्त देश नहीं है मित्रों, कि जिस देश में सभी लोग एक जाजम पर बैठ करके भक्ति करते हो। हम दूसरे देशों की स्थितियां देखते हैं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जैसा कोई देश दुनिया में नहीं है। एक बार तालियां बजाएं हमारे देश के लिए। वो इस धरती पे मैंने जन्म लिया, इस धरती पे मैंने जन्म लिया, मैं नित उठ शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा, मैं गीत उसी के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ओ भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। चार पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, जो हमारे राजा सिंह जी भाई साहब को बड़ी प्रिय है, जो कि बेगम बाजार की महबूब कॉलेज की उस धरती पर परम आदरणीय प्रकाश जी भाई साहब माली ने जो पंक्तियां सुनाई थी वो मैं गा रहा हूं। हूं लड़ो घणो सयो घणो मेवाड़ी मान बचावणी ने, लड़ियो घणो सयो घणो हिंदू अत्री मान बचावण ने, मैं पाच नहीं रा किरण में बेरियारो खून बहावण ने, बेरियारो खून बहावण ने। पण आज जय हो, पण आज बिलख तो देखूं जद राज कुंवर ने रोटी ने। वो महाराणा प्रताप महलों का राजा था, चाहता तो वो भी अकबर की गुलामी स्वीकार करके आराम से जीता, परंतु उसने कहा नहीं, मैं अपने मान सम्मान को कभी हानि नहीं होने दूंगा। जंगलों में चला गया, महलों में रहने वाले वो राजकुमार घास की रोटी खा रहा है। पण आज बिलख तो देखूं जद राज कुंवर ने रोटी ने, तो छात्र धर्म ने भूलो हिंदवाणी चोटी ने, भूलो हिंदवाणी चोटी ने। हरे घास री रोटी, हरे घास री रोटी, जद बिन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमर्यो चीक पड़ो, राणा रो सोयो मन जागो। हरे घास री रोटी, युग युग से अनगिन धारा यमुना सिंधु नर्मदा कृष्णा कावेरी, युग युग से अनगिन धाराएं सेवा में तेरी, गंगा यमुना सिंधु नर्मदा कृष्णा कावेरी। जल जीवन से इसकी माटी उपजाती है अन्न, जल जीवन से इसकी माटी उपजाती है अन्न, नव सौंदर्य सवारती शीतल मंद सुगंध आरती आरती, ओ जय मां भारती उतारे आरती, ओ जय मां भारती उतारे आरती, ओ जय मां भारती। धन्यवाद। दोनों हाथों को ऊपर उठा करके सभी लोग भारत माता की।
वंदे वंदे। जय हो, आप सभी भक्तों की भी जय हो।